भाद्र पूर्णिमा आ रही है तो सब लोग प्रयास करते हैं कि भागवत हम दें एक दूसरे को दें, बिकॉज शास्त्रों में लिखा गया कि भगवत पुराण स्वयं कृष्ण है और सबके पास होना चाहिए और स्वयं पढ़ना भी चाहिए उसको रख लेते। सो कर्नाटका के कुछ डिवोटीज ने समनी में कि भागवत पुराण मान लो हमें बात करनी है, किसी को बताना है, पहली तो बात जिनके पास नहीं है उन सबसे निवेदन है भागवत पुराण रखना चाहिए। कितना 12 स्कंद हैं, 18 किताबें हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि कोई दो चार दिन में पढ़ना है, साल दो साल चार साल लगे कुछ भी हैं। इनफैक्ट उज्ज्वला माता जी से जस्ट मैंने बातों बातों में पूछा, माता जी आपने कितनी बारी पढ़ा होगा, हंसते हंसते बोला कि लगभग 20 बार पढ़ लिया होगा। हम हैरान हो गए कि एक एक बार पढ़ना मुश्किल है, कह रहे 20 बार तो मैंने पढ़ ली होगी भागवत। 20 बार 18,000 श्लोक और उसको अगर 20 बार पढ़ लिया, और कहते मैं जब भी पढ़ती हूँ तो उसको मैं सोचती हूँ कि प्रभुपाद ने इसके बारे में क्या लिखा, कैसे मैं बात करूँ। और उनसे मैं लगभग 2 घंटे मेरी बात हुई, स्पेशली मैं मिलने गया था, उनके रोम रोम में भागवतम घुसी हुई है। जिसको उनकी मेड है, काफ़ी सीनियर लेडी हैं, अनपढ़ है, कह रहे इन्होंने 3-4 को ये बोल के कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ नहीं पा रही हूँ, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे इसको। तो उन्होंने 3-4 को, उन्होंने उनकी बेटी 6 साल की है, उन्होंने बांट दी। और वो डॉक्टर है मेरी तरह माता जी, और लेकिन जो भी पेशेंट आता है उसको पहले तो इलाज कर दिया, लेकिन कह रहे हैं उसकी ओपीडी स्लिप वापस नहीं दे, उसकी पर्ची देती नहीं उसको कि पहले समझो भागवतम। और मोस्टली लोग कन्विंस हो जाते हैं कि इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट, और प्लस आगे जाके उसका लाभ है, कैसे जीवन का तारण होता है, कैसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो ये जो भी प्रीचर्स हैं, जो लोग हमारे पास कुछ मैं उनसे बुक्स लेके आए प्रीचर्स के लिए कि कैसे भागवतम की स्टोरी हमने दूसरों को बतानी है, चाहे हमारे कॉन्टैक्ट, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबको ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और आज नहीं तो कल कोई ना कोई प्रयास मानेंगे। पर भागवतम बहुत सुंदर ग्रंथ है उन्होंने, जो हम भी चाहते हैं कि सब लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो निवेदन है, प्रेरणा है, ये बुक्स मेरे से हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में जो प्रीच कर रहे हैं ये बुक्स उनके लिए हैं, ताकि आपको एक टॉकिंग पॉइंट्स मिले कि आप बात क्या करनी है। इसके अलावा एक FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे, और इसके अलावा ये तो बहुत महंगी है कैसे लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वो किताब मेरे पास मल्टीपल कॉपीज नहीं है अभी, तो उसको शेयर नहीं कर पाऊँगा। तीसरा उन्होंने ये बोली कर, वहाँ कर्नाटका के डिवोटीज ने और श्रीला प्रभुपाद के कोट्स के हिसाब से 2 बुक्स बनाई हैं, यू मस्ट रीड, अलग अलग लेक्चर्स है प्रभुपाद के कोट कैसे उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, और एक है प्रीचिंग मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने मतलब उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो यही कि उन्होंने जैसे श्रीमद् भागवतम और अन्य सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन करके दिया, नहीं तो हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि ये सारे ग्रंथ भी हैं। जैसे कहते हैं कृष्णा बुक पढ़ के कितने लोग भक्ति में जुड़े हैं, ठीक है, तो उनकी कि 10वां जो स्कंद है उसके बेसिस पे है, पर इसमें कोट्स हैं इसमें और इसमें, और माता जी का दावा है कि अगर कोई इसको पढ़ लेगा निश्चित रूप से इंस्पायर होगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। इसकी भी अभी मेरे पास कॉपीज नहीं, मैं मंगवा रहा हूँ, बट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था, और लेकिन इसकी कॉपीज है। रिक्वेस्ट है जो भी लेके जाना चाहे, जो लगता है कि आगे प्रीच कर पाएंगे, प्लीज़ लेके कोई भी लैंग्वेज में कॉपी लेके इसको पढ़िए, कैसे भागवतम का समरी दिया कि पूरी क्रिएशन, पूरा क्रिएशन उसमें है, सर्ग, उसके बाद आगे क्या दिया है, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनमंत्र, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, 10 मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर भागवतम आश्रित है, कैसे भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं। अगर हम भगवान के भक्तों की लीलाओं को समझते हैं तो भी हम भगवान की ही लीलाओं को याद कर रहे हैं और उनके बारे में समझ रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे याद है हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है, दर्शन किए हैं, तो निश्चित रूप से हम इतने निर्गुण हैं, हमारे पे ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें, परंतु अगर हम शास्त्र चक्षु, जो कि शास्त्रों में बताया कि शास्त्र चक्षु के निर्माण के द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और भगवत पुराण में कम से कम 4 बारी तो मुझे दर्शन हो चुके हैं, कभी भगवान के अष्टभुजा रूप में, कभी चतुर्भुजा में, तो दर्शन होते हैं, सुंदर दर्शन होते हैं। तो इसी को पढ़ के, भागवतों को पढ़ के ही हमारे दर्शन होते रहेंगे, और वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हम उतना ही दर्शन कर लें और अपने आप को शुद्ध कर पाएँ। तो दोबारा निवेदन है जिनके पास नहीं है वो लें, और प्लस हम सब मिल एज ए टीम प्रयास करें आनंद राम प्रभु के गाइडेंस में। प्रभु जी तो प्रयास कर ही रहे हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भागवतम रख रहे हैं, और विवेक प्रभु की कृपा से हमने उनकी हेल्प से इतना बड़ा सुंदर उनका स्टेज बन गया कि भागवतम रखी जाए और
डिस्प्ले किया जाए, मतलब इट बिकम्स मच मोर अट्रैक्टिव। बट उसका अगला स्टेप क्या है कि हम सब एज ए टीम और प्रयास करें, भागवत भादर पूर्णिमा यथा कदा जैसे दे सके। इनफैक्ट उज्ज्वला माता जी ये कह रही थी कि जो उनके जानने वाले हैं उनके पास भगवत गीता शायद हो ना हो, भागवतम है। और यहाँ तक कि मेरे साथ जो ड्राइवर चल रहा था, 3 दिन से मेरे साथ एक ड्राइवर था, भगवान की कृपा से वो भक्ति था, वो मंदिर जाते थे उसकी वाइफ, और वो माला भी करते थे। फिर कैसा ड्राइवर मिला इस बारी, तो मैंने उज्ज्वला माता जी को बताया, तो उन्होंने बोला उसको बुलाओ। ड्राइवर को बुलाया, कन्नड़ा में बात करी और उसको भी मोटिवेट किया, और अगले 4-5 दिन में वो तेलुगु में, उसकी वाइफ तेलुगु, तो तेलुगु में भागवतम ले लेगा। इस तरह करके उज्ज्वला माता जी मोटिवेट कर रही है। मतलब अगर ड्राइवर एक भागवतम ले सकता है सेट पूरा, तो हमारे गुड़गांव में तो हर व्यक्ति के घर में भागवतम होनी चाहिए। ठीक है। और तो मैं तो हैरान था सुनकर, कोई आर्मी मैन आया, कह रहे कोई आर्मी मैन आया आज अपने बच्चे को दिखाने के लिए, तो उसको कहते मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसे उनको मोटिवेट किया कि कन्विंस हो गए, बिकॉज भागवतम में सच में बहुत सारे इसकी अपनी ही गाथाएं बहुत हैं और इसकी अपनी भावना है। सो ये जैसे बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, लीलाएं हैं। इनफैक्ट एक भक्त ऐसे हैं जो ये बताते हैं, जैसे वामन लीला, या अभी क्या आएगा सितंबर के फर्स्ट वीक में प्रभु साउथ इंडिया में क्या होता है, मैं भूल गया कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं केरला वाले, ओनम, ओनम, हाँ ओनम, पोंगल, ये सारे फेस्टिवल्स के बारे में भागवतम में मेंशन्ड है। ठीक है, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ भागवतम में मेंशन्ड है। तो इस तरह से कोई अगर किसी का भाव हो तो ये फेस्टिवल्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं भागवतम से कैसे लेना है। आजकल मैं प्रभु जी आप थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे हिरण्यकश्यपु के बारे में पढ़ रहा था। हिरण्यकश्यपु ने पूरे ब्रह्मांड को टेररिज कर रखा था, यहाँ तक कि हवा भी उसकी मर्जी से चलती थी, पृथ्वी भी, सारे जो कुछ चाहिए था उसको, नदियाँ नाले जो कुछ चाहिए था सब उसको मिल रहा था, परंतु हिरण्यकश्यपु फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था। कारण जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो शरणागति नहीं थी, उसको भगवान विष्णु से मतलब उसका शरणागति नहीं थी, वो मान रहा था कि मैं ही विष्णु हूँ, बस उतनी ही उसकी गलती थी। अदरवाइज इतना पावरफुल वो बन गया था, सारे देवी देवता, जहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने खुद बोला कि हम भी उसको प्रणाम कर रहे हैं, सिर्फ भगवान विष्णु को छोड़ के, और उसका सारे ब्रह्मांड में सब जगह सारे लोकों में उसका असर था, सिर्फ जहाँ पे भगवान विष्णु थे उस लोक में, उस स्थान पे उसका कोई भी भाव नहीं, कोई भी उसका फायदा नहीं हो पाया, उसका कोई भी मतलब उस एरिया में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ पाया। तो ये पॉइंट आता है कि कैसे हम पढ़ते हैं पर प्रहलाद महाराज के बारे में, कि कैसे वो संत थे, क्या क्या उनकी भावनाएं थी, ये सब कुछ हम भी आगे पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं।